यूपी के अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी को वोट करना बुजुर्ग मुस्लिम महिला को बड़ा महंगा। अमेठी के तिलोई क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर प्रकाश में आई, जहां जन्म देने वाली मां के एक बेटे ने पत्नी के संग मिलकर पिटाई कर दी। कलयुगी बेटे ने ऐसा इसलिए किया कि मां ने विधानसभा चुनाव के दौरान बेटे की मर्जी के खिलाफ जाकर बीजेपी से प्रत्याशी राजा मयंकेश्वर स्वर्ण सिंह को वोट किया था। मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के चेतरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली सैमूला का। दादी क्या नाम है आपका? सैमूला। कहाँ की रहने वाली? चेतरा। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? राजा का वोट देना, वही की बड़े आए लड़का मारा है, बहू मारा है। अच्छा, ठाकुर जी कहे। आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था, इस वजह से आपके बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं? हाँ, लड़का आवा हमारे जन के जमीर लेना, तो कहीं चाची ने इनका वोट दे, राजा का सब वोट देना, वही की बड़े रहा। किससे जमीन लिया था आपने? देखिए, तिलोई का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, थाना मोहनगंज लगता है। उसमें प्रकरण संज्ञान लेने के बाद जब जांच की गई, थाने टीम गई, तो ये पता लगा कि वहाँ पर गांव के रहने वाले नसीम खान और उसकी माँ दोनों अगल बगल कमरा बना के रहते हैं। वहीं पे नसीम खान अपने घर के सामने बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जिसका उसकी माँ विरोध कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था, जहाँ से इसकी जानकारी हुई है, इस ओर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी पुष्टि जहाँ से नहीं हुई है। किस तरह का आरोप लगाया था महिला ने? ये लगाया गया था कि इसमें मयंकेश्वर शरण सिंह जी को वोट देने के कारण उसका विरोध हो रहा है, उसने बताया।